तो पासिंग लोडिंग इसका कितना दिया हुआ है परमिट में? 1700 किलो। 1700 किलो पासिंग है। और माइलेज क्या निकाल के दे रही है? माइलेज अभी 14 का दे रहा है। ये चढ़ाई पर या इसका क्या परफॉर्मेंस है? चढ़ाई पर चढ़ने में क्या ये ताकत कम होता है इसका, या कुछ कमजोरी आपको ऐसा कुछ फील होता है? ताकत तो ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड ऑफ बिहार पर। आज हम गाड़ी लेकर के आए थे पटना, और पटना से लौटने के क्रम में जब हम बेगूसराय पहुँचने वाले थे बरौनी, तो यहाँ पर नीतीश कुमार का आगमन था, जिसके कारण जितने भी कमर्शियल गाड़ी हैं सभी को रोड से हटाकर साइड करवा कर लगवा रहे हैं, क्योंकि इधर से नीतीश कुमार का गाड़ी गुजरने वाला है। तो हम लोग 2-3 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे एरिया में गाड़ी फंसा हुआ है। मेरा भी गाड़ी उधर पीछे है और इधर भी बहुत सारा गाड़ी फंसा हुआ है। तो हम यहाँ पर लगभग 2-3 घंटे से फंसे हुए हैं। चलो आज अपना चैनल के लिए एक और वीडियो बना लेते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, 2 गाड़ी हैं इनके पास, बोलेरो पिकअप 1.7T, और जस्ट इसके बगल में एक और गाड़ी लगा हुआ है जो अभी नया मार्केट में खूब चल रही है, महिंद्रा की मैक्स, ये भी बोलेरो की ही है। तो इन दोनों के बारे में दोनों के ड्राइवर से थोड़ा सा बात करें कि कितना खुश हैं इस गाड़ी से, और क्या इस गाड़ी में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या अच्छा है और क्या कमी है। तो गाड़ी में बैठ कर इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये भाई हमारे भाई की है ये, आइए बैठ के बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। प्रफुल कुमार। प्रफुल जी हैं, ये 1.7 बोलेरो पिकअप ये गाड़ी यही चला रहे हैं। ये गाड़ी आपको चलाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भैया। और पासिंग लोडिंग इसका कितना दिया हुआ है परमिट में? 1700 किलो। 1700 किलो पासिंग है। और माइलेज क्या निकाल के दे रही है? माइलेज अभी 14 का दे रहा है। लोड अनलोड दोनों मिला के? जी, लोड अनलोड मिला के दोनों 14 का माइलेज है इनका। और कभी चढ़ाई पे या गाड़ी में ताकत का कमी ऐसा कुछ कभी महसूस होता है क्या? नहीं, कभी तो नहीं होता। कितना तक लोड करते हैं अधिकतम ओवरलोड? 3.5 टन तक। 3.5 टन तक लोड करते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि बोलेरो पिकअप जो है वो सच में बढ़िया गाड़ी होता है। इनका जो है देखिए आप, टायर जो है 15 इंच का टायर है और 3.5 टन तक लोड करते हैं। 100 किलो मतलब पासिंग है, लेकिन 3.5 टन तक सभी पिकअप वाले भाई लोड करते ही हैं। अगर उतना लोड नहीं करेंगे तो इन्हें भाड़ा भी नहीं मिलेगा। अभी भी इसमें लोड है, गाड़ी धान लोड किए हुए हैं। तो 1.7 अच्छा गाड़ी है। और आप और भी ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहते हैं 1.7 के बारे में, तो इसके ऊपर एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, आप अगर हमें कमेंट करते हैं। अगला गाड़ी है बोलेरो मैक्स पिकअप, इस भाई से मैं 2 मिनट बात करूंगा और फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हम आकर बैठ चुके हैं बोलेरो मैक्स में, अभी नया है और मार्केट में बहुत सारा लोग इस पर अभी जोर दिए हुए हैं कि हमें ये मैक्स पिकअप जो है ये माइलेज ज़्यादा दे रही है। और ये भाई हैं ये जो मैक्स पिकअप चला रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पिंटू। पिंटू नाम है इनका। कितने दिन से ये गाड़ी चला रहे हैं? 8 महीने। 8 महीने से ये भाई गाड़ी चला रहे हैं। और कैसा माइलेज है, कैसा है इस गाड़ी का? माइलेज तो ठीक है। कितना दे देती है फिर? 13 का दे रहा है माइलेज। 13 का माइलेज लोड अनलोड मिला के जो भी लोग माइलेज बताते हैं, तो वो लोड और अनलोड दोनों को जोड़ करके ही माइलेज बताते हैं। 13 का माइलेज दे रहे हैं। और लोडिंग इसका जो है पासिंग कितना है? कितना? 17 क्विंटल। 17 क्विंटल का पासिंग है। लेकिन आप सबको पता है कि बोलेरो 3 टन 3.5 टन तक लोड करेंगे तभी भाड़ा ही मिलेंगे। तो बाकी चढ़ाई पर या इसका क्या परफॉर्मेंस है, चढ़ाई पर चढ़ने में क्या ये ताकत कम होता है इसका, या कुछ कमजोरी आपको ऐसा कुछ फील होता है? ताकत तो ठीक है। कमी क्या लगा इस गाड़ी में? आप 8 महीना से चलाए तो कोई चीज़ का कमी नहीं। तो ये भाई भी संतुष्ट किए कि इनको भी गाड़ी में किसी तरह का कोई कमी नहीं लगा है। और मेरे पास है टाटा योद्धा का 1500 मॉडल जो कि 13 का माइलेज देता है। उसे अगर हम सीमित रूप से चलाते हैं, 50-55 के एवरेज में चलाते हैं, तो वो 13 का माइलेज हमको देता है। लेकिन अगर उसे 60 से ज़रा सा भी आगे करते हैं तो उसका माइलेज डाउन हो जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा जो भाई चाहते हैं कि हम कौन सा गाड़ी लें, तो टाटा का गाड़ी नहीं लेकर के वो बोलेरो का ही गाड़ी लें। अगर खुद से चलाते हैं तब टाटा का गाड़ी लें, अगर किसी ड्राइवर के द्वारा चलवाते हैं तो बोलेरो का ही गाड़ी लें, क्योंकि इसका पार्ट्स सभी जगह छोटे बड़े शहरों में उपलब्ध होता है, टाटा का पार्ट सभी जगह उपलब्ध नहीं होता। उसके बाद बोलेरो पिकअप का एक और खासियत यह है कि इसे कितना भी टान कर भगा ले, कम से कम माइलेज देगा तो 12 का माइलेज देगा, और 12 से इसका माइलेज कम नहीं रहता है। लेकिन टाटा में वैसा नहीं है, 60 से ऊपर भगाने के बाद उसका माइलेज पूरा डाउन होने लगता है, वो कभी कभी 10 का भी माइलेज देने लगता है। तो ये था आज का इंक्वायरी, और यहाँ पर हम सब लोग 2-2.5 कर रहे हैं। अब लगता है कि कुछ देर और इंतजार करने के बाद शायद हम लोग को यहाँ पुलिस वालों के द्वारा छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने हमको सभी को रोक के रखा है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री जी का गाड़ी जाने वाले हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये इंक्वायरी वाला। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।